हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लगता है ऋतिक का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। ये तो आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों में कंगना और ऋतिक में काफी बड़ा झगड़ा हो गया है। जब से दोनों का ब्रेकअप हुआ है उसके बाद से ही दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। यही वजह है कि दोनों ने साथ में ना काम करने की कसम तक खा रखी है। वहीं अब लीजिए, दोनों भले ही साथ में काम ना कर रहे हों, बावजूद इसके कंगना ऋतिक से टकराने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंगना ने अपनी आने वाली फिल्म मेंटल है क्या की रिलीज डेट को बदलवा दिया है। अब ये फिल्म ऋतिक की फिल्म सुपर 30 के साथ रिलीज होगी। बता दें कि पहले ये फिल्म इस साल 21 जून को शाहिद की फिल्म कबीर सिंह के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन जैसे ही कंगना को पता चला कि ऋतिक की सुपर 30 एक ही महीने बाद 26 जुलाई को रिलीज हो रही है, तो फिर कंगना ने मेंटल है क्या की रिलीज डेट बदलवा कर 26 जुलाई करवा दी। यानी अब 26 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर कंगना और ऋतिक की जबरदस्त टक्कर होगी। बताया जा रहा है कि मेंटल है क्या की रिलीज डेट में बदलाव कंगना के कहने पर ही हुआ है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने अपनी किसी फिल्म की रिलीज डेट में इस तरह बदलाव करवाया हो। इससे पहले उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। ये वही तारीख थी जो ऋतिक ने अपनी फिल्म सुपर 30 के लिए चुनी थी। वहीं अब कंगना फिर से ऋतिक को टक्कर देने के लिए सामने आ गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि बॉक्स ऑफिस पर दो फिल्में एक साथ रिलीज होंगी तो किसी ना किसी एक फिल्म को नुकसान झेलना पड़ सकता है। नया TBS रेडियो जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या ऋतिक अपनी फिल्म सुपर 30 के रिलीज डेट में कोई बदलाव करते हैं या नहीं। वैसे आप सुपर 30 और मेंटल है क्या में से किस फिल्म को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।
साथ में फोटो नहीं हुआ सर, अभी ऋतिक सर ये विनोद क्या कर रहा है।